करेंगे। एक और बड़ी खबर का जो सुकमा से मिल रही है, जहां कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। सीआरपीएफ के 3 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और तीनों जवान क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए थे। जानकारी मिलते ही बंसोड़ के सीएमएचओ और मेडिकल टीम क्वारंटाइन सेंटर पहुंची है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां कोरोना से संक्रमित 3 मरीज मिले हैं और सीआरपीएफ के 3 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। क्वारंटाइन सेंटर में तीनों जवान ठहरे हुए थे और जैसे ही इसकी जानकारी लगी, सीएमएचओ और मेडिकल टीम क्वारंटाइन सेंटर पहुंची है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना से संक्रमित 3 मरीज मिले हैं और सीआरपीएफ के 3 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शिवा यादव जुड़ गए हैं। शिवा, अब सुकमा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, ताजा हालात क्या है और ताजा आंकड़ा बनता हुआ क्या कुछ नजर आ रहा है? जी हाँ, पहली बार सुकमा जिला में कोरोना के कोई मरीज मिले हैं। ये सीआरपीएफ के जवान थे जो कि छुट्टी में गए हुए थे लॉकडाउन के दौरान, उनके लॉकडाउन के बाद जो वापस आ रहे थे धीरे धीरे, सभी को सुकमा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था, जहां पर 3 लोगों की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस समय कलेक्टर और सीएमएचओ की टीम पहुंच चुकी है और तीनों ही मरीजों को जगदलपुर COVID-19 हॉस्पिटल भेजने की तैयारी चल रही है। जी शिवा, इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। अगर हम लोग देखें कि जो लोग ड्यूटी पर तैनात हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, उनको बाकायदा एक किट प्रोवाइड की गई है और जवानों की जो कोरोना की पॉजिटिव ना हो उनके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? जी इस ये आवाज आप तक जा रहा है, खासतौर पे मास्क, सैनिटाइजर या फिर साबुन जैसे चीजों का उपयोग एकदम सख्ती से किया जा रहा है। साथ ही उनके बाहर आने जाने में बहुत ही सख्ती से पाबंदी लगाया गया है और खासतौर से हर जगह क्वारंटाइन या फिर कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति को कैंप में जाने का कोई भी मतलब परमिशन नहीं दिया जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।